أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا أما بعد قال الإمام الحسين عليه السلام إني لعالم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي صلوات بر محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك قهوة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات بر محمد وعلى صلى الله عليه وسلم اصحاب امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات پر گفتگو ہو رہی تھی. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ایسے افراد کو، ایسے اصحاب کو جو میرے اصحاب سے بہتر اور برتر ہوں. یہ بات پہلے بھی عرض ہوئی تھی کہ امام حسین کے اصحاب کی برتری اور بہتری کی وجہ ان کی وہ خصوصیات تھیں جو اصحاب امام حسین علیہ السلام میں پائی جاتی تھیں، اور انہی خصوصیات کی وجہ سے وہ تمام انبیاء، اولیاء اور ائمہ کے اصحاب سے بہتر قرار پائے. پہلی اور دوسری مجلس میں یہ عرض ہوا کہ امام حسین کے اصحاب کی پہلی جو خصوصیت جس نے انہیں ممتاز بنایا تھا، جس نے انہیں دوسرے تمام انبیاء اور ائمہ کے اصحاب سے جدا کیا تھا، برتری اور فوقیت بخشی تھی، وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی معرفت تھی. اور دوسری جو خصوصیت جو ان کی برتری کا باعث بنی وہ ان کا وفا تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. اور تیسری جو خوبی اور خصوصیت اصحاب امام حسین علیہ السلام میں پائی جاتی تھی، جس نے ان کو تمام انبیاء اور اولیاء کے اصحاب پر فوقیت اور برتری بخشی، وہ ان کی شہادت طلبی تھی، وہ ان کا شہادت کے لیے آمادہ و تیار ہونا تھا. یہ وہ تیسری صفت تھی، خوبی تھی، جس نے ان کو دوسرے اصحاب سے بہتر بنایا. شہادت طلبی یا شہادت دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصل ہے. اسلام کا جو طرز زندگی ہے اس کا ایک بنیادی قانون شہادت طلبی ہے. وہ چیز جو اسلام کو دوسرے الہادی مکاتب سے جدا کرتی ہے، وہ مکتب اسلام کا اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو جہاد اور شہادت کی دعوت ہے. خداوند تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ تم لوگ کیوں
जहाद नहीं करते खुदा की राह में मुस्तज़फ़ीन के हुकूक के लिए, वो लोग वो मुस्तज़फ़ीन जो मर्दों में से हैं, वो कमज़ोर अफराद ज़ईफ़ अफराद जो ख़वातीन में से हैं। तो इस्लाम के बुनियादी उसूलों में से एक असल, मुसलमानों की एक अहम ज़िम्मेदारी, मोमिनीन की एक अहम ज़िम्मेदारी, वो खुदा की राह में जहाद है, शहादत तलबी है। और फिर रिवायात में आपने यकीनन सुना है उलमा से कि ये नक़ल हुआ है, पैगंबर ग्रामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पैगंबर गरामी इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि फ़ौक कुल बिर्रिन बिर्रुन हत्ता युक्तल रजुल फ़ी सबीलिल्लाह फ़ैदा कुतिल फ़ी सबीलिल्लाह फ़लैसा फ़ौकहु बिर्रुन, कि हर नेकी से बरतर, हर नेकी से अफजल एक नेकी है, मगर ये कि इंसान खुदा की राह में शहीद हो जाए, खुदा की राह में कत्ल हो जाए। और जब खुदा की राह में इंसान कत्ल होता है तो फिर इससे बरतर कोई नेकी नहीं है। और रिवायात में ये भी नक़ल हुआ है कि पैगंबर गरामी इस्लाम ने एक जवान को देखा कि वो दुआ कर रहा था, या खुदाया वो मुझे सबसे बेहतरीन और बरतरीन चीज़ अता फरमा जो तूने अपने बंदों को अता की है। पैगंबर गरामी इस्लाम ने जब इसकी ये दुआ सुनी तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अगर ये जवान, इस जवान की दुआ कबूल हुई तो ये जवान शहीद हो जाएगा। और फिर कुछ अरसे बाद वो जवान शहीद हो गया। तो खुदा की राह में शहादत, खुदा की राह में अपना खून देना ऐसी नेकी है, दीन में ऐसी फजीलत रखती है शहादत राह खुदा में, कि जिसके मुकाबिल में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। कुरान ने शहदा के बाज ख़ास मकामात बयान किए हैं, वो कुछ आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। कुरान में ये इरशाद फरमाते हैं खुदावंद तबारक व तआला के वमन युति अल्लाह व रसूल फऊलाइक मअल लजीन अनअमा अल्लाह अलैहिम मिनन नबियीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन, जो लोग खुदा की इताअत करते हैं और उसके रसूल की इताअत करते हैं, ये वही लोग हैं जिन पर खुदा ने अपने अनाम नाजिल किए हैं, और ये नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा और सालिहीन का गुरोह है। तो सबसे पहली फजीलत जो शुहदा को अता की जाएगी वो ये है कि शुहदा भी सालिहीन और अंबिया के साथ होंगे। पहला मकाम जो शुहदा का होगा वो ये है कि शुहदा अंबिया के साथ होंगे। कुरान ने दूसरा जो मकाम शुहदा का बयान किया है वो ये है कि शुहदा हमेशा जिंदा रहेंगे। कुरान में खुदावंद तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि वला तहसबन्नल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, वो लोग जो खुदा की राह में शहीद हुए हैं उनको आप मुर्दा मत समझें बल्कि ये जिंदा हैं, और जो इनाम जो नेमतें खुदा ने इनको अता की हैं वो इस पर खुश हैं, और जो पीछे रह गए हैं उन लोगों को भी ये बशारत देते हैं। तो दूसरा जो खुदा की तरफ से इनाम है शुहदा के लिए वो ये है कि वो हमेशा जिंदा हैं। तीसरा इनाम खुदा का शुहदा को ये है कि खुद शुहदा के तमाम गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाएंगे। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है तो उसके तमाम गुनाह माफ किए जाते हैं। शायद ही कोई दूसरा शख्स ऐसा हो या कोई दूसरी नेकी ऐसी हो
कि जिस पर खुदा अपने बंदों को इस अनाम से नवाजता हो। तो ये शहादत वो अनाम है, ये शहादत वो चीज है कि जिसके सिले में खुदावंद तबारक व ताला अपने बंदों के तमाम गुनाहों को माफ करता है। और फिर शहीद को तीसरा जो अनाम खुदा की तरफ से मिलता है, चौथा अनाम खुदा की तरफ से मिलता है, वो ये है कि शहीद सबसे पहले बहिश्त में दाखिल होता है। इमाम रिजा अलैहिस्सलाम की ये हदीस है। इमाम रिजा इरशाद फरमाते हैं, मुहम्मद इमाम फरमाते हैं कि शहीद सबसे पहले बहिश्त में दाखिल होगा। पांचवा इनाम जो खुदा की तरफ से शहीद को मिलता है वो ये है कि अंबिया और अवलिया की तरह शोहदा को भी शफाअत का हक हासिल होगा। तो पांचवा जो इनाम है खुदा का शोहदा के लिए वो ये है कि खुदा अंबिया और अवलिया की तरह शोहदा को भी हक के शिफात देगा। हदीस में ये इरशाद होता है कि हर शहीद को ये हक हासिल होगा कि वो अपने ख़ानदान के 70 बंदों की शफात करे। तो ये दीन में मकाम शोहदा है अजीज़ान मोहतरम। शायद ही शहादत से बढ़कर हदीस का मजमून भी यही है कि कोई और नेकी हो जो इस्लाम में शहादत से बढ़कर हो। और यही वो शहादत तलबी थी, यही वो खुसूसियत थी असाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कि जिसने असाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दूसरे असाब पर फोकियत बख्शी। आप तारीख में देखें तो अंबिया और अवलिया के जो असाब थे उनकी एक बहुत बड़ी मुश्किल, एक बहुत बड़ी खामी कि जिससे अंबिया और अवलिया नाला थे वो यही था कि असाब और अंबिया और अवलिया के असाब खुदा की राह पर जान निशावर करने के लिए तैयार नहीं थे। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ये कलाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ये कलाम कल भी आपकी खिदमत में बयान किया था कि अमीरुल मोमिनीन अपने लश्कर को मुखातिब करा देकर ये इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं तुम्हें सर्दियों में बुलाता हूँ तो तुम ये बहाना लाते हो कि जरा सर्दियाँ कम हों तो हम जहाद के लिए आएंगे। जब गर्मियों में बुलाता हूँ तो तुम ये बहाना लाते हो कि जरा गर्मियाँ कम हों तो तब हम जहाद के लिए आएंगे। फिर अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम सर्दी और गर्मी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं तो फिर तुम तलवारों की तेज धार कैसे बर्दाश्त करोगे। तो अंबिया के, अवलिया के, अइमा के असाब की एक बहुत बड़ी मुश्किल यही चीज थी कि वो शहादत के लिए आमादा नहीं थे। अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर, अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुलह पर मजबूर हुए थे तो इसकी वजह भी यही थी कि इमाम हसन के असहाब शहादत के लिए आमादा और तैयार नहीं थे। अगर कूफियों ने इमाम हुसैन से धोखा किया था, अगर इमाम हुसैन को तन्हा छोड़ा था तो इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह, और या शायद ये कहें तो गलत ना होगा कि सबसे बुनियादी वजह ही यही थी कि वो इमाम की राह में शहादत के लिए आमादा और तैयार नहीं थे। कूफियों ने गर्चे 18,000 खतूत तो इमाम हुसैन को लिखे थे, लेकिन जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जैसा शख्स कूफे का जब गवर्नर बना तो वही 18,000 लोगों ने जिन्होंने इमाम हुसैन की बेइयत की थी, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के हाथों पर बेइयत की थी, वो हजरत मुस्लिम को तनहा छोड़कर चले गए। इसकी बुनियादी वजह यही थी कि कूफे के लोग शहादत के लिए तैयार नहीं थे, आमादा नहीं थे। और मैंने ये कल भी अर्ज किया था अजीजान मोहतरम, हमें
जहां पर सिफात असहाब इमाम हुसैन पर तवज्जो की जरूरत है, वहीं पर उन लोगों की सिफात की तरफ भी तवज्जो की जरूरत है, उन वजूहात की तरफ भी तवज्जो की जरूरत है कि जिनकी वजह से उस जमाने के लोगों ने अपने वक्त के इमाम का साथ नहीं दिया। अगर वो सिफात जो असहाब इमाम हुसैन में थी अगर वो हमारे अंदर पाई जाए तो यकीनन हम भी अपने असर के इमाम का साथ देंगे, हम भी अपने वक्त के इमाम का साथ देंगे। लेकिन अगर वो सिफात जो असहाब इमाम हुसैन में नहीं थी वो हम में पाई ना जाए तो फिर हमारा भी अपने वक्त के हुसैन का साथ देना नामुमकिन है। अजीजान मोहतरम, अगर हम भी शहादत के लिए आमादा और तैयार नहीं हुए, अगर हम भी खुदा की राह में शहादत और शहादत के लिए कुर्बानी के लिए अगर आमादा और तैयार नहीं तो फिर यह खतरा हमारे लिए भी मौजूद है कि हम इमाम के जहूर के लिए दुआ तो मांगते रहें लेकिन जब इमाम जहूर करें तो खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो कि हम भी कूफियों की तरह इमाम के मुकाबिल लश्कर में खड़े हों। तो यह खतरा हर दौर के इंसान के लिए मौजूद है। अगर उसने वो सिफात जो असहाब इमाम हुसैन में नहीं थी अगर वो अपने अंदर पैदा नहीं की तो यह खतरा मौजूद है कि वो लश्कर यजीद में खड़ा हो सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात पर। और फिर राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम राह शहादत है। अजीजान मोहतरम, इमाम ने जब पहला कदम उठाया है, जब इस सफर का आगाज किया है तो सबसे पहली शर्त जो इमाम ने बयान की है वो शहादत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मन कान बाजिलन फीना मुहजतहु व मुअत्तिनन अला लिकाइल्लाहि नफ्सा फलयरहल माना। वो शख्स वो फर्द जो शहादत के लिए आमादा है, जो इस रास्ते पर कुर्बानी के लिए आमादा है, जो खुदा के साथ मुलाकात के लिए आमादा हो तैयार है वो मेरे साथ चले, क्योंकि हुसैन का रास्ता शहादत का रास्ता है। अजीजान मोहतरम, हुसैन ने सबसे पहली शर्त जो अपने साथियों के लिए रखी थी वो शर्त शर्त शहादत थी। अगर इमाम ने फरमाया कि जो शख्स शहादत के लिए आमादा हो तैयार नहीं वो हमारे साथ ना चले। इमाम फरमाते हैं अय्युहन नास फमन कान मिनकुम यस्बिरु अला हद्दिस सैफ वतानिल अलसना फलयकुम माना व इल्ला फलयनसरिफ। वो शख्स जो तलवार की तेज धार और नेजों का जख्म बर्दाश्त करने के लिए आमादो तैयार है वही हमारे साथ चले, वरना यहीं से चला जाए, क्योंकि हुसैन को यह पता था कि उसके इस सफर की इंतहा शहादत पर होनी है। हुसैन का दर्स दर से शहादत था, हुसैन ने जो कदम उठाया था वो शहादत के रास्ते पर कदम उठाया था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। और अजीजाने मोहतरम, जहाँ पर इमाम हुसैन ने अपने उस दौर के यावरों के लिए शहादत तलबी शहादत के लिए आमादगी शर्त रखी थी, इसी तरह इमाम हुसैन ने आने वाले अपने चाहलों के लिए भी यही शर्त रखी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन रा सुल्तानन जायरन मुस्तहिलन लिहुरमिल्लाह नाकिसन लिअहदिल्लाह मुखालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाह यामल फी इबादिल्लाह बिल इस्म वल उद्वान सुम्मा लम युगैर बिफ़ेलिन वला कौलिन कान हक्कन अलल्लाह अन युदखिलहु मदखलह। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जो भी शख्स किसी ऐसे जालिम सुल्तान को बादशाह को देखे जो हलाल खुदा को जो हराम खुदा को हलाल करा दे रहा है, जो खुदा के अहद को तोड़ रहा है, जो पैगंबरों की सुन्नत के खिलाफ चल रहा है, और ये शख्स और ये बादशाह लोगों पर जुल्म और सितम कर रहा है, सुम्म लम युगैर बिफ़ेलिन व कौलिन, अगर ये शख्स जो देख रहा है कि एक जालिम बादशाह अपने
जो रआया हैं उन पर जुल्म कर रहा है, लेकिन ये खामोश रहे, ये अपनी जबान के साथ, ये अपने फेल के साथ अगर उसके खिलाफ कयाम ना करे तो खुदा को ये हक हासिल है कि खुदा इस शख्स को भी उस जालिम के साथ ही मशहूर करे। तो इमाम हर दौर के अपने मानने और चाहने वाले को ये फरमान देते हैं, ये हुक्म देते हैं कि जब तुम किसी जालिम को देखो, जब तुम किसी जालिम हुक्मरान को देखो कि जो मुआशरे पर जुल्म कर रहा है, जो मुआशरे पर खुदा के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो इमाम ये हुक्म देते हैं अपने चाहने वालों को कि इसके खिलाफ शहादत के लिए तैयार हों और कयाम करें इस रास्ते पर। तो हुसैन इब्ने अली का दर्स अपने उस जमाने के मानने वालों के लिए और अपने हर दौर के मानने वालों के लिए दर्स दरसे कयाम और दरसे शहादत है। और इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अला तरौन अन्नल हक ला यअमलु बिहि वअन्नल बातिल ला यतनाहा अन लियरगबिल मुमिन फी लिकाइल्लाह मुहिक्कन। जब भी कोई इंसान ये देखे, कोई मोमिन ये देखे कि हक पर अमल नहीं हो रहा और बातिल से रोका नहीं जा रहा, तो उस वक्त इस मोमिन की ये जिम्मेदारी है, ये खुदा से मुलाकात के लिए आमादा हो, तैयार हो, जब जुल्म हो जमाने पर, जब अदल के साथ हुक्मरानी ना हो, तो इमाम का ये हुक्म है कि ये मोमिन उस जुल्म के खिलाफ कयाम करे, उस जुल्म के मुकाबले में खड़ा हो। और इमाम के असहाब की खूबी, सबसे बड़ी खूबी यही शहादत तलबी थी। अजीजान मोहतरम, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, शायद ये नवी मुहर्रम की रात का वाकया है कि जब हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये कहा, ये कल भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इमाम की खिदमत में ये अर्ज़ किया कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके असहाब आपको तनहा छोड़कर चले जाएं। तो जब ये ख़बर असहाब तक पहुँची, जब उनको ये ख़बर पहुँची कि मुखद्दरात इस्मत परेशान हैं कि कहीं असहाब बेवफाई ना करें, तो फिर असहाब ने इमाम की खिदमत में आकर अपनी वफा का इजहार किया। ज़ुहैर इब्ने कैन कहते हैं, वलौ कानत दुनिया लना बाकियतन वकुन्ना, अगर दुनिया हमेशा के लिए होती और इस दुनिया ने फना ना होना होता तो फिर भी हम अब आपके साथ कयाम करते और शहादत को इस बाकी दुनिया पर तरजीह देते। इसी तरह दूसरे असहाब भी बारी बारी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और अपनी शहादत के लिए आमादगी का इजहार करते हैं। मोहम्मद बुरेर ये कहते हैं, खुदा की कसम आपका वजूद आपकी राह में, हम आपकी राह में जंग करें और आपकी राह में हमारे बदन के टुकड़े टुकड़े हों, ये हम पर खुदा का एहसान है कि इमाम की राह में अपने बदन के टुकड़े टुकड़े करवाना असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने लिए फख्र और इफ्तिखार समझते हैं। तो ये वो खूबी थी असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कि जिसकी वजह से असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दूसरे दौर के असहाब, दूसरे अइम्मा के असहाब और अंबिया के असहाब से जुदा हुए, मुमताज हुए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर ये आज़ादारियाँ, अगर ये मजालिस अगर हम में जज्बे शहादत पैदा नहीं करती, अगर जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम का जज्बा हम में पैदा नहीं करती, अगर अदल के लिए क़ुरबानी का जज्बा हम में पैदा नहीं करती, तो ये इन अपने मकसद से दूर हैं हमारी आज़ादारियाँ। शहीद मूसा सदर फरमाते हैं, मैंने पहले भी ये कौल नक़ल किया था कि मैं उन इमाम बारगाहों को इमाम बारगाह नहीं मानता कि जहाँ से दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ने वाले सिपाही तैयार ना हों, जहाँ से इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने वाले सिपाही तैयार ना हों, वो इमाम बारगाहें जहाँ पर जुल्म के ख़िलाफ़ बात ना हो, वहाँ पर शिम्ब भी आकर सीने जनी करने के लिए आमादो तैयार है।
तो अगर आज़ादारियाँ जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद न हो, अगर आज़ादारियों में ये जज्बा बीदार न हो, तो ये आज़ादारियाँ फ़ायदा नहीं रखती। अज़ीज़ान मोहतरम, हम उस रास्ते पर ही नहीं हैं कि जो रास्ता इमाम हुसैन का रास्ता है। गरचे ये बात फिर वही बात कि तल्ख है, लेकिन आयतुल्ला जवादी आमली ने यह बात अर्ज फरमाई थी कि हम गरचे दुआओं में भी ये ताकीद है कि मोमिनीन दुआ ये दुआ करें कि काश हम करबला में होते तो अपने वक्त के इमाम का साथ देते, लेकिन आयतुल्ला जवादी आमली फरमाते हैं कि ये शुक्र का मुकाम है कि हम नहीं थे करबला में, क्योंकि हम अगर करबला में होते इस जज्बे के साथ तो नहीं मालूम हम कहाँ पर खड़े होते। असल चीज़, असल जो आपकी खिदमत में कल भी वो परसों भी अर्ज़ की और आज भी, कि जो चीज़ असल है, जो चीज़ बुनियादी चीज़ है, वो सिफात और वो खूबियाँ हैं जो इंसान को या यजीद की तरफ खड़ा करती हैं या हुसैन की तरफ खड़ा करती हैं। ये मोहब्बत काफ़ी नहीं है। जब मदीने के रास्ते में फरसदक शायर इमाम हुसैन से मिला तो इमाम ने जब कूफे के हालात पूछे तो फरसदक ने यही कहा कि कुलूबहुम माकुम वसयूफहुम अलैकुम, उनके दिल आपके साथ हैं लेकिन उनकी तलवारें आपके मुखालिफ हैं। मोहब्बत कूफे वालों को भी थी इमाम के साथ, मोहब्बत कूफे वाले भी रखते थे अइम्मा के साथ, लेकिन जो चीज़ माने बनी कि वो इमाम हुसैन का साथ दें, वो उनकी सिफात और खूबियाँ थीं। वो दुनिया परस्ती में घर खो चुके थे, वो दीन के लिए मजहब के लिए कुर्बानी का जज्बा नहीं रखते थे। ये चीज़ बाइस बनी कि वो दावत तो दे इमाम हुसैन को, लेकिन फिर वहीं कातिलाने इमाम हुसैन बने। और फिर ये खतरा हमारे लिए भी मौजूद है। अजीजान मोहतरम, मैंने बार बार ये बात अर्ज की है, ये हमारे लिए भी खतरा मौजूद है कि अगर हम तैयार नहीं हुए शहादत तलबी शहादत के लिए, अगर हम तैयार नहीं हुए कुर्बानी के लिए, फिर ये खतरा हमारे लिए भी मौजूद है। नहीं मालूम हम किस सफ में खड़े होंगे, हम इमाम जमान के सफ में खड़े होंगे या उनके मुकाबिल उनके दुश्मनों में खड़े हों, ये हमारा भी नहीं मालूम। और फिर ये बात कल भी अर्ज हुई थी कि हमने आज साबित करना है कि अपने इमाम को आज ये साबित करना है कि हम आपकी सफ में खड़े हैं। उसके लिए हमें आज उस रास्ते पर कदम रखना होगा, आज उस रास्ते पर कुर्बानी के लिए तैयार होना होगा, आज उस रास्ते पर कुर्बानी देकर इमाम को यह बताना होगा कि या इमाम हम आपके रास्ते पर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इमाम का रास्ता कौन सा रास्ता है अजीजान मोहतरम? इमाम का रास्ता अदल का रास्ता है। हम आज अदल के लिए कयाम करके अपने इमाम को यह बताएं कि हम आमादा और तैयार हैं आपके कयाम के लिए। अगर आज उस रास्ते पर हम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हुए, अगर आज जुल्म सहते हुए हम खामोश रहे, तो फिर ये अल अजल की दुआएं, ये अल अजल की निदाएं, ये दुआए सलामती इमाम जमान बेसूद है। अजीज़ान मोहतरम, इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये कूफे के लोगों के खतूत जैसा है, ये कूफे के लोगों के उन खतूत जैसा है कि जिनमें दावे तो थे हकीकत नहीं थी। तो आज ये हमारा वजीफ़ा है, ये जिम्मेदारी बनती है। और ये किसी गैरतमंद कौम के लिए, अगर उसका मजहब उसे इस बात की तरगीब ना दिलाए, तब भी किसी गैरतमंद कौम के लिए शर्म की बात है कि वो जुल्म सहे और उसके खिलाफ आवाज ना उठाए। आज भी दुनिया में बाइज्जत कौमें, आज भी दुनिया में बाइज्जत अफराद अपने हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं, गरचे शायद उनका बहश्त और जहन्नम का कोई नजरिया भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने हुकूक के लिए कुर्बानियां देते हैं। फिर जब हमारा मकतब भी हमें इस बात का दर्श देता है, तो फिर क्यों हम उनसे खामोश रहें? मैंने कुछ दिन पहले भी यह बात अर्ज की थी, आज आप देखें कि बाज सियासतदानों के चाहने वाले किस हद तक अपने उन दुनियावी मुफाद के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। जेलों में जा रहे हैं, एक जेल से निकलते नहीं कि दूसरे जेल के लिए काफिला आ जाता है, लेकिन वो अपने उस हदफ से पीछे नहीं हटते। आज यही हमारे लिए हुज्जत हैं, आज यही वो लोग हैं कि जिनको कल खुदा हमारे साथ खड़ा करके शायद एहतजाज करे कि ये अपनी दुनिया के लिए कुर्बानियां दे रहे थे, तुम क्यों अपनी आखिरत और अपने मजहब और अपने दीन के लिए कुर्बानी के लिए तैयार नहीं थे? ये बहुत बड़ी
बड़ी हुज्जत है हमारे खिलाफ, जब दुनिया में वो मकातिब, वो मजाहिब के मानने वाले दूसरे मकातिब के मानने वाले यही फलस्तीनी इन्हें, इनको जिस मकतब ने दरसे कयाम दिया है वो तशय्यो है, जिस मकतब ने इनको इसराइल के खिलाफ कुर्बानी का जज्बा इन्हें दिया है वो तशय्यो है। आज हमारे मकतब से लोग दर्स लेकर क्याम कर रहे हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, और हमारा जो हाल है बाहर के, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है अजीज़ान मोहतरम। जब तक ये शराइत हम में मौजूद ना हों, जब तक ये सिफात, ये खूबियाँ हम में मौजूद ना हों, तो हम भी इमाम के, अपने वक्त के इमाम के यारो यावर नहीं बन सकते। मैं खुदावन तबारक व ताला से दुआ गो हूँ कि खुदावन तबारक व ताला हम सबको अपनी राह में कुर्बानी देने का, अपनी इमाम ज़मान की राह में कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर मौजूद फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह। शायद ये बात कही जाए तो गलत ना हो कि ख़ानदान नबूवत में जिस शख्सियत ने सबसे ज़्यादा मसाइब तहम्मुल किए, मुसीबतें बर्दाश्त की, वो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत थी। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा गर्चे करबला में उन पर मसाइब के पहाड़ टूटे, लेकिन करबला से पहले भी कुछ कम मसाइब उन पर नहीं टूटे थे। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपनी वालिदा गरामी की शहादत का मंज़र भी उन्होंने देखा था। अपने वालिद अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का शिकाफ्ता सर भी देखा था, और फिर अपने भाई इमाम हसन के जिगर के टुकड़े भी देखे थे। लेकिन जब करबला में आई हैं तो ऐसे मसाइब उन पर टूटे हैं कि उनको उम्मुल मसाइब का लकब मिला है। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात वो ज़ात थी जिसने अपने भाई की शहादत का मंज़र देखा, अपने बेटों के शहादत का मंज़र देखा, अपने भतीजे अली अकबर जैसे जवान का जवान की शहादत का मंज़र भी देखा, अपने भाई अब्बास के कटते हुए बाजू भी देखे, उनके बदन पर लगते हुए तीर भी देखे। और तारीख ये कहती है अजीज़ान मोहतरम, जब इमाम हुसैन अली अकबर के जनाजे पर आए हैं तो तारीख के ये अल्फाज हैं कि ऐसा लगने लगा शायद अली अकबर के जनाजे पर इमाम हुसैन दुनिया से रुखसत हो जाए। लेकिन वो शख्सियत जिसने इमाम हुसैन को तसल्ली दी वो हजरत ज़ैनब की शख्सियत थी। हजरत ज़ैनब ने असरे आशूर अपने भाई का बेसर बदन भी देखा, और जब करबला से ये काफिला रवा दवा था, जब कूफा और शाम की तरफ चला है, तो अपने खानदान के लोगों के सर नेजे पर भी देखे हैं। और इमाम सज्जाद की तनहा यावर यही हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा थी, जो हमेशा चाहे यो कूफे का दरबार हो, चाहे यजीद का दरबार हो, चाहे शाम का जिंदान हो, कि जिस शख्सियत ने इस खानदान को बचाया है वो हजरत ज़ैनब की शख्सियत है। और जब वापस लौट कर करबला आई है तो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को अपने भाई की प्यास याद आई है, अर्ज करती है मेरा सलाम हो उस पर जो प्यासा शहीद हुआ, मेरा सलाम हो उस पर जो जिसने गम जिसने तमाम गम तन्हा सहे। अलानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन कलमियन कलिमू।